तो पूरे एम्स्टरडम में मुझे कोई नहीं पहचान रहा मुझे, और भी मतलब मैं बहुत खुश था इस बात से कि चलो मस्त घूम रहे हैं, कोई इंडियन नहीं मिला, पर मैं ये सोच रहा था 3 शो बिके हुए हैं, आएगा कौन शो, ऐसा तो नहीं किसी ने मेरा कार्ड दिया है भाई, मैं रेड लाइट एरिया में खड़ा था, कुछ तो निहार रहा हूँ। साइड में से एक बंदा कह रहा सर बिग फैन, कोई जगह है पहचानने की। अरे यार ये तो सुनो कितनी बेइज्जती हुई हमारी, हमें एम्स्टरडम पहुंच के ये नहीं पता था कि ऐसे जब रोड क्रॉस करनी होती है तो लाइट के लिए कोई बटन दबाना होता है। हम तो खड़े हैं मस्त, हमें लगा ये तो खुद ही चलती है, हमारी वाली हरी नहीं हो रही, बहुत देर हो गई। साइड में कोई आदमी है उसने खंबे के साथ कुछ तो करा और वो हरी हो गई, ये क्या हुआ हमारे साथ, हमें पता चला कि अच्छे से बटन दबाना पड़ता है, तो इन्हें पता चल जाता आप आए हो। हम अगले सिग्नल पे गए, हम बटन दबाए खड़े, हमारी अभी भी ग्रीन नहीं हो रही, तो हमें किसी ने आके बताया तुमने साइकिल वाला दबा दिया। फिर हमने नशे कर लिए, फिर वह 1 घंटे छूते की तरह रोड क्रॉस किए। एक दूसरे को दिखा रहे हैं, देख हरी करके दिखाओ, देखो भैया साले होटल्स में कितनी बेइज्जती कर रहे हैं यार ये लोग, इतना सारा पैसा लेते हैं और रूम दे रहे हैं वो चिड़ियाघर जैसा, इतना सा रूम और बेइज्जती अलग से कर रहे हैं, रूम सर्विस के नाम पे क्या दे रहे हैं रूम। मैंने नीचे फोन किया, मैंने कहा पानी पीना, कह रहा वॉश बेसिन से पी लो, मैं कुत्ता हूं मैं। मैं इंडिया से शो ऑफ करता हुआ आ रहा हूँ कि बिजनेस क्लास से आ रहा हूँ, यहाँ के क्या कर रहा हूँ ये पानी पी रहा हूँ। साले इतनी महंगी महंगी दारू लेकर आया हम ड्यूटी फ्री से खरीद के, वो दारू पैक बना के 3 लौंडे वॉश बेसिन का खड़ा हुआ। अरे मैंने पैक बनाने को टैप चलाई, जोर से चल गई, दारू बाहर आ गई। माँ मेरे पापा भी खेत में यही कर रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ। हमारी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पा रही। एक तो पानी मांगा है, पानी दे दो, फालतू बकचोदी की जरूरत नहीं है। हाँ मैं तो कहा मतलब वो सुपरमार्केट टाइप जो भी होता है, मैंने उस बंदे से बोला, मैंने कहा पानी चाहिए, तो कह रहा स्टिल। तो भाई बहता हुआ पिला देगा क्या? लिक्विड है, स्टिल होना तो बहुत जरूरी है उसका। ऐसे थोड़ी तो बैग के कह देगा चार प्लेट को। मुझे सोडा चाहिए होगा, मैं मांग लूंगा, इतना भी गवार नहीं हूं मैं। एक जगह तो वो पकड़ा दिया हमने स्पार्कलिंग वाटर, पता नहीं क्या कि लोगों में छाले कर लो अपने। वो इंडिया में से 24/7 पर रखा हुआ देखा लोगों ने, कभी किसी ने नहीं खरीदा, बस तो उठा के देखता हूँ वापस रखा उसको पी रहे फालतू में। जैसे यूरोप आया ना मेरी बेइज्जती नहीं, मुझे इतनी बेइज्जती लग रही है यहाँ पे आके, जैसे मतलब यहाँ सब लोग पैदल घूमते रहते हैं अपना बढ़िया, सब लग रहा है कि यहाँ साथ के ही हैं, चलो किसी के भी साथ चल दो, ऐसे चल दो। भिखारी कितना आराम जाते हैं, सिर्फ सिगरेट मांगते हैं। बियर का कैन लेके भीख मांग रहे यार वो, क्योंकि इतना दूर बनना यार। चाहिए भी सिगरेट ही, खाना खुना नीचे बाहर में जाओ, खाना तो वैसे भी नहीं खा रहे साले, दारू पिए जा रहे, खाना नहीं खा रहे। मैं स्पेन में था भाई कुछ टाइम, वो तो साले इतनी ज्यादा दारू पी रहे हैं क्या, हम फालतू में बदनाम है, दिन भर बियर पीते, शाम को कहते हैं इट्स टाइम फॉर ड्रिंक्स। कितने लिमिट का घूम रहे तुम लोग। एक तो मेरे माँ बाप मानने को तैयार नहीं कि सूरज देर से ढल सकता है। मैं उन्हें बोलता हूँ कि अभी सूरज नहीं डला, कह रहे ऐसे कैसे नहीं डला, मैं कहा बात करा दूँ क्या आपकी। मेरा उसमें हॉस्टल में चालान काट दिया सिगरेट का, हाँ रूम में सिगरेट नहीं पीने दे रहे, हाँ उसने इतनी सी खिड़की थी, मैं उसे मुंह बाहर निकाल रखा, मुंह क्या बाहर निकला तो मैं हल्का सा ऐसा था, बस बताओ बताओ। मैंने सिगरेट पी लिया अपने, फिर उसने मेरा 28,000 का चालान काट दिया। मैं नीचे आया, उसने बोला कि यू हैव स्मोक्ड अ सिगरेट इन योर रूम। मैं कहा अ सिगरेट?
देखो भैया मुझे 3 दिन हो गए, आपने हाथ पकड़ा मेरे। मैंने विस्की मांगी, आइस मांगा, पानी मांगा, ना आइस दे रहा ना पानी दे रहा, कह रहा ऐसे पी लो। मैं कैसे तो नहीं पी पाऊंगा, कह रहा विस्की में आप पानी मिलाते हो। मैं कहा भाई मैं ट्रॉपिकल कंट्री से हूँ, 1 हफ्ते मर जाएंगे हम लोग फिर तुम्हारी तरह पीने लग गए तो। चलो अब शो कर लेते, हो गया तो मैं हल्का सा पानी पी लूं बस। स्टिल पेपर हटा दिया इसमें से, हाईलाइट है, हाँ तो स्टिल है, हाँ लवली स्टिल है। चलो बैठ, ऑफिस से आ रहा है संडे, अच्छा हाँ तो क्या हो गया संडे को, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। चलो बढ़िया, नहीं भाई ने ऐसे वाला बैग टांग रखा था, वो कंपाउंडर लग रहा था तो संडे वो तो संडे को भी जाते ही है। मैंने भी खरीदा वो पाउच यहाँ पे आने के बाद चोरी से बचने के लिए, इतनी वाहियात चीज हिंदुस्तान में से डाल के घूम लो, लोग मेरे मुंह पे आकर फॉलो करके चले जाएंगे। एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया उसको आगे रखना है पीछे रखना है, मैं आगे रखता हूँ तो मुझे लगता है पीछे से इसको छिटकने दो, आगे ना भाग जाए। पीछे रखता हूँ तो लगता है सामान ना निकाल ले। चलो साइड में रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, हाँ जैसे तुझे रखता हूँ।